नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे, HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के कार्यक्रम नेताजी हाजिर हो में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इन दिनों पंचायत और नगर निकाय की चुनाव को लेकर एक बयारसी चल रही है। राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर सिर्फ फुटबॉल अब थम चुकी है, लेकिन टिकटों दोनों पार्टियों में कांग्रेस और भाजपा में नाम तो तय हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद अब क्या स्थितियां अगले 2-3 दिनों में बनेगी वो देखने में आएगी। ये संघर्ष सड़कों पर उतरेगा या पार्टियां विरोध को थाम लेंगी, इन्हीं विषयों और मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक बाबूलाल जी महाजन। बाबूलाल जी, आप हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर जी, जिनका भी लंबा अनुभव है राजनीतिक और काफ़ी तेज तर्रार वक्ता हैं वो कांग्रेस के। हमारे बीच इन सभी मुद्दों और चर्चाओं के विश्लेषण के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश रेवलिया, जो आज तक पर अपना समय देते हैं। आप सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। बाबूलाल जी, मेरा सबसे पहला वही प्रश्न रहेगा आपसे कि टिकट भाजपा में भी तय हो चुके हैं, कांग्रेस में भी तय हो चुके हैं, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने जमीनी रूप से कार्य किया है, लंबे समय से कार्य किया है, और आज जब टिकट का मौका आया तो पार्टी उनको समझा रही है। मेरा ये अभिमत है इस मामले में कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की जो प्रक्रिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं होती है, वो स्वाभाविक भी है। पार्टी में काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं भी बढ़ती है, तो वो टिकट की लाइन में खड़े थे, टिकट मांग रहे थे। लेकिन पार्टी का भी एक गणित होता है। गणित क्या होता है कि खरगोन में 12-13 समाज बहुतायत से रहते हैं, हर समाज को साथ लेकर के चलना ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है। तो जो बड़े बड़े समाज हैं, अभी एक ही समाज के 10 आदमी टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो एक को ही दे सकते हैं, 9 को तो नहीं दे सकते। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा महाजन साहब, हाँ। बात वही आ जाती है कि हम समर्पण की बात करते हैं, भाजपा एक अलग विचारधारा की बात करती है, और घूम फिर के वही जाति समीकरण, वही धार्मिक समीकरण, इन्हीं को लेकर के टिकटों का बंटवारा होता है। तो आखिर इस स्थिति में वो कार्यकर्ता जिसने अपना समग्र दिया है पार्टी को, वो तो ठगा सा महसूस करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के बहुत सारे अलग अलग विंग भी होते हैं, पार्टी का संगठन है, पार्टी में और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाता है। और पार्टी जनरली ये सोचती है कि भाई जिले का पदाधिकारी है या ये फलानी जगह पर मंडल अध्यक्ष है, तो उसको बारे में कम सोचती है, यानी ये नहीं सोचती कि पदाधिकारी है तो इसको टिकट देना ही चाहिए। यानी ये मान लिया जाए कि भाजपा जो भी थोड़ा बहुत विरोध होगा या जो भी विरोधी स्थितियाँ बनेगी उनसे पार पा जाएगी। कांग्रेस के सामने भी इस समय खरगोन नगर निकाय चुनाव को लेके ये स्थिति बनी कि कांग्रेस को भी टिकट तय करने में काफ़ी समय लगा, जबकि कांग्रेस तुरंत ये काम करती है अभी तक। आखिर पूर्णा जी, ऐसा क्यों हुआ? सुनने में ये भी आया कि बहुत से लोग थे जिन्होंने काफ़ी गुणागणित करे, उसके बाद उन्होंने अपना नाम पीछे लिया कि हम नहीं लड़ सकते। नहीं, अपना नाम पीछे लिया ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है, लेकिन शुरू से कांग्रेस का जोर था कि जो मजबूत कैंडिडेट है, जो अपने वार्ड में किला भिड़ाता है, जो मजबूत कैंडिडेट है उसको अवसर दिया जाए, जो बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता है उसको अवसर दिया जाए, और कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो बाकी सारी जगहों पर कांग्रेस ने जिम्मेदारों को बढ़ाया है। और टिकट चयन करने में परेशानी नहीं, हमारे यहाँ पिछले 4 महीने से हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो पर्यवेक्षकों के 3-3, 4-4 दौरे हुए हैं, वार्ड वाइज वो गए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच से नाम निकाले हैं और उसके बाद में उम्मीदवारों को फाइनल किया। सर पूना जी, आप शहर अध्यक्ष हैं और आपने पूरी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, खरगोन में दंगा हुआ, दंगे के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि धार्मिक समीकरण बनेंगे इस बार नगर निकाय के चुनाव में, जो कांग्रेस के लिए काफ़ी कष्टदायक साबित होंगे, इन मुद्दों से लड़ने के लिए कांग्रेस कौन सी रणनीति तैयार कर रही है? देखो, सांप्रदायिक उन्माद कांग्रेस के लिए नहीं, जहाँ भी होता है उस शहर के लिए दुखदाई होता है, वहाँ के लोगों के लिए दुखदाई होता है, कोई भी वर्ग हो
उसके लिए दुखदायी होता है। शहर में 24 दिन का कर्फ्यू रहना बड़ा ही खौफनाक मंजर है मेरे शहर के लिए, मेरे शहर के लोगों के लिए। अजी, यदि आज मैं कहूँ आपसे कि आप यूक्रेन चले जाइए, मैं आपको फाइनेंस करता हूँ, वहाँ आप कोई बिजनेस चालू कर लीजिए, क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वह स्थान असुरक्षित है। कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित ज्ञान और सारी चीज़ों के लिए मैं इसके ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाभ, अपने लाभ के लिए आज शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग लगा है। लेकिन भाजपा तो बल्ले बल्ले कर रही है। भाजपा बल्ले बल्ले करेगी ना, भाजपा क्यों नहीं बल्ले बल्ले करेगी? फिर भाजपा महंगाई पे बल्ले बल्ले नहीं कर सकती, भाजपा बेरोजगारी पे बल्ले बल्ले नहीं कर सकती, भाजपा जो लोग आज रोजगार के लिए और दाल रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए बल्ले बल्ले नहीं कर सकती, भाजपा तो इन्हीं चीजों पे बल्ले बल्ले करेगी। अभी देखिए, इस देश का नौजवान सड़कों पर है, क्यों? क्योंकि सेना जैसा जो संवेदनशील विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय है, वहां पर जो नीतियां लेकर आए हैं। इस देश का किसान बरसों सड़कों पर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी नीति लाए थे, लेकिन जनता के आगे उसको वापिस करना पड़ा। तो भाजपा की बल्ले बल्ले अपनी है, क्योंकि अडानी अंबानी खुश होते हैं तो भाजपा तो यूं भी बल्ले बल्ले में रहती है। लेकिन कांग्रेस का जो कहना है कि कांग्रेस बड़े बड़े मुद्दों को लेकर आ रही निकाय चुनाव, जबकि कहा जाता है कि वही सीवरेज, वही पेयजल, वही स्वास्थ्य, छोटी मोटी चीज़ें जो व्यक्ति अपने आसपास जुटाना चाहता है वो मिल नहीं पाती हैं, उनके लिए लड़ता है, लेकिन फिर भी महंगाई जो एक है आज पूरे देश में ये मुद्दा हावी है। हम इसके बारे में पूर्व विधायक बाबूलाल जी से जवाब भी लेंगे, लेकिन उमेश जी, भाजपा कहीं ना कहीं भले ही वो बोले नहीं, लेकिन धार्मिक समीकरणों को लेकर वो खरगोन नगर निकाय चुनाव में पूरी तरह आश्वस्त है कि उसको एक छत्र वोट मिलेगा हिंदुओं का। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, इस फसाद के दौरान कांग्रेस के जो नेता थे वहाँ गए भी, उनको विरोध भी झेलना पड़ा, परिस्थितियाँ देखा जाए तो पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में नहीं, जबकि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है और हो सकता है कि उनको इस कोशिश में कामयाबी भी मिले। आपका क्या विश्लेषण बोलता है कि इस परिस्थिति में जो खरगोन नगर निकाय का चुनाव है, मतदाता किस ओर झुकेगा और क्या कारण होंगे? देखिए पांडे जी, अभी जो सांप्रदायिक हिंसा हुई जी, वो सर्वविदित है कि प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा था और सबसे लंबा कर्फ्यू भी शहर ने झेला। राष्ट्रीय स्तर तक गूंज सुनी इसकी, ये नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खरगोन का नाम, ये खरगोन का नाम गया, पर खरगोन का नाम मैं समझता हूँ इसके लिए नहीं जाना चाहिए कि दंगा ग्रस्त शहर है, होना ये चाहिए कि यहाँ भाईचारा हो, सद्भावना हो और सब मिलजुल कर काम करें। यहाँ मैं अगर चुनावी समीकरण की बात करें हम, तो निश्चित रूप से भाजपा को कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा, लेकिन जिस तरह से भाजपाई नेताओं को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका दिखाई नहीं दी। एक बात ये भी है, अभी पूर्णा भाई से मैं यही पूछना चाहूँगा कि अभी जो नाम फाइनल हुए हैं नगर पालिका चुनाव के लिए, कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम स्वच्छ और अच्छी छवि वालों को ही टिकट देंगे। अभी मैं सूची देख रहा था तो उसमें एक नाम ऐसा है जो दंगाई भी है और फरार भी है, उनकी मां को टिकट दिया गया है, तो अब कांग्रेस कैसे उनके सामने जाएगी कि वो किस तरह से टिकट मिला है, तो अब वो लोगों से कैसे उनको अपनी कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करेगी। तो यही हाल अभी बीजेपी का भी है, बीजेपी के कई नेता जहां जाना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को इसमें खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये है कि यहां जो समस्याएं हैं खास तौर से भाजपा के लिए, उन्होंने जो दावा किया था कि नर्मदा जल शहर में आ जाएगा वो अभी तक नहीं आया, लोग 5-5 दिनों में उन्हें पानी मिल रहा है, तो बाबूलाल जी चूंकि उनकी बहू का अभी नाम आया है और वो उन्हें ये इस रूप में भी देखा जा रहा है कि वो अध्यक्ष की दौड़ में रहेंगी और इसीलिए शायद टिकट भी
फाइनल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज को फेस तो करना पड़ेगा। उमेश जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई कि इसमें भाजपा को लाभ तो मिलेगा, दूसरी तरफ आपने कांग्रेस की जो सूची जा रही है उस पर भी आपने एक विचार रखा है कि उसमें एक प्रत्याशी ऐसा है जिसको दंगे में जिस पर FIR है, उसके परिवार से उसकी माता को टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकता है कांग्रेस की कुछ सोच हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय जो माहौल बना था उस माहौल को अभी भी पूरी तरह से शांति के सांचे में नहीं ढाला जा सका है, और उसका राजनीतिक दल कोई भी हो लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लौट करके फिर वही आते हैं, ये तो हमने एक परिदृश्य की बात करी नगर निकाय चुनाव को लेकर, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस खरगोन में जो घटनाएं हुई इसका प्रभाव प्रदेश के राजनीतिक फलक पर भी देखा जाएगा। लेकिन हम मुद्दों की पे लौट के आते हैं वापस। खरगोन में इस समय हम देख रहे हैं कि एक महती पेयजल योजना है जो सुरसा की तरह समय को खाती जा रही है, लेकिन खरगोन के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। दो दिन होता है पाइप डालते हैं, दो दिन बाद गड्ढे मूंदे जाते हैं, दो दिन बाद मीटर लगता है लेकिन पानी नहीं है। दूसरा ये सवाल भी सामने आता है कि आखिर ये पानी पिलाया कहाँ से जाएगा। उसके अलावा सीवरेज को लेकर समस्याएं हैं, स्वच्छता के नाम पर मुख्य सड़कों की सफाई है, बाकी काफ़ी कुछ शेष रह जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ स्थानीय जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कुछ व्यवस्थाओं के भी ज़रूरत है। तो आज हम 70 साल बाद भी अगर गाड़ियाँ 5 इंदौर जाओ तो 6-7 घंटे में पहुँचते थे, भोपाल जाओ तो 12-15 घंटे लगते थे। सड़कों का जाल तो बिछा है, आप सब जानते हैं सड़कें बढ़िया हो गई है। जहाँ तक स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा कि गरीब आदमी का इलाज कहाँ से। लेकिन विधायक साहब उस समय 50 रुपए किलो दाल भी तो मिल जाती थी, तो आदमी की इनकम भी तो बहुत कम थी। जब आप विश्लेषण करते हैं 70 सालों का, तो 70 साल में काफी कुछ बढ़ा है, काफी कुछ जनता की जेब से गया है, काफी कुछ उसके हाथ में भी आया है। आपकी बात ठीक है, पर मेरी बात आप सुनिए। इस देश के अंदर अमेरिका से लाल गेहूं आता था और क्यों लगती थी लोगों के खाना के लिए। आज देश की प्रगति हुई ना, आज हम तो दुनिया भर को अन्न दे रहे हैं, दुनिया भर को अन्न देने की क्षमता हमारे देश में पैदा हुई है। तो हरित क्रांति शास्त्र, तो ये जो हरित क्रांति का दौर 70-80 का दशक था, ये आज का नहीं है। ये जो मतलब आज हमें प्राप्त हुई मध्य प्रदेश सरकार के समय में 3 बार लगातार हमको अवार्ड प्राप्त हुए कृषि के, तो इसका मतलब है कि देश प्रगति कर रहा है। गाँव में आज से आप कभी जो 5-7 साल पहले गए हों, 10 साल पहले जो गए हों, उनको मालूम है गांव में झोपड़ियां हुआ करती थी, ऊपर कैवेलू जमे होते थे। आज गांव में बड़े बड़े भवन और अट्टालिकाएँ बन गई, गांव में हर परिवार के पास 2-2, 3-3 वाहन हो गए। वो मतलब उतना सब खर्च बियर इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक हालत पहले से सुधरी है। और शासन ने, जहाँ तक आप स्वास्थ्य की बात की, मैं स्वास्थ्य की बात फिर लौट रहा हूँ कि स्वास्थ्य के मामले में पहली बार किसी ने आयुष्मान कार्ड चलाया कि आम गरीब आदमी को 5 लाख तक, चाहे वो प्राइवेट में इलाज कराए चाहे वो शासकीय इलाज कराए, उसको उसके स्वास्थ्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। पहली बार मकानों की सुविधाएं, जो आदमी गंदे नालों के पास आदमी पड़े थे, बहुत मुश्किल में ज़िंदगी जी रहे थे, बीमारियों का साम्राज्य उनके घरों के आसपास था, उनको स्वच्छ और अच्छे मकान देने की कल्पना यदि किसी ने देश प्रगति के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सरकार और राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की थी उससे देश में उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री आवास हो, इनका फायदा आपको इस निकाय चुनाव में बिल्कुल मिलेगा। उमेश जी, जैसे कि भाजपा का ये कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिलेगा, मानते हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई और ऐसी योजनाएं बनाई जो विश्व में किसी भी देश में संचालित नहीं की जा रही है, और उसका यहाँ सफल संचालन हो भी रहा है, उस ओर बढ़ भी रहे हैं। लेकिन आज हम एक गरीब मजदूर की बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों को कोरोना में भाजपा ने अन्न बांटा, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि उनसे उनके परिवार को स्थायित्व तो मिला? क्या उन योजनाओं से आगे उसका परिवार आर्थिक प्रगति कर सकता है, शिक्षा में प्रगति कर सकता है? आज हम छोटे छोटे स्तर पर आके जब निकाय स्तर पर आकर के इस चीज को देखते हैं, हमको काफी कुछ खालीपन नजर आता है। देखिए, अभी अगर हम शहर की बात करें, शहर की कई गलियां खुदी पड़ी है। हम मुख्य रोड के ही अगर डाइवर्सन रोड देख लें, खंडवा रोड देख लें, जो संबंधित कंपनी है जिसे काम दिया गया था सीवरेज का, उसके ऊपर डामरीकरण के लिए, डामरीकरण हर 8वें दिन होता है और फिर उसमें गड्ढे हो जाते हैं, फिर भरे जाते हैं गड्ढे हो जाते हैं।
इतना मुश्किल होता निकलना, और अभी तो बारिश हुई नहीं है, बारिश जब होगी और चुनाव शायद सिर पर रहेंगे उस समय लोगों को समझ में आएगा कि कितना काम हुआ है। दूसरा, जो जल आवर्धन योजना की बात मैं करूं, एक बहुत ही गंभीर बात है। एक ये कि वाटर वर्क जो तैयार हुआ है, मतलब वहाँ इंजीनियरिंग की बात करें अपन, मैंने ये देखा कि जो वाटर वर्क तैयार है जहाँ स्टोरेज होगा पानी, वो एक्चुअल में जब भी प्लानिंग होती है तो करीब 35 साल पहले की प्लानिंग होती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में बना है वो वर्तमान स्थिति में जो जनसंख्या है शहर की होने दर 2 लाख है उसके अनुसार है, तो 35 साल बाद लोगों को पानी कैसे मिलेगा, कहाँ स्टोरेज करेंगे, ये प्लानिंग पहले से क्यों नहीं हुई। दूसरा, ड्रेनेज के लिए आपने पूरा शहर खोद मारा सीवरेज की लाइन के लिए, लेकिन उसको जो दवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं, आपने सिर्फ ऊपर से मटेरियल बिछा दिया। कंपनियों को कलेक्टर ने जवाबदेही भी तय की थी, जो पूर्व कलेक्टर थे, लेकिन फिर भी उस पर कुछ होता तो नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसको लेकर तो जवाब देना पड़ेगा। उमेश जी, आपने सही कहा, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को अगर सही ढंग से संचालित किया जाए तो शहर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी वो। अब देखना यही है कि आने वाले जो भी दोनों पार्टी में से किसकी जीत होती है और किसका अध्यक्ष बनता है और वो क्या इन योजनाओं पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ भी एक सवाल है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं हमारे यहाँ पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं पूर्णा ठाकुर, उनसे पूछना चाहूँगा कि इन सभी मुद्दों को जब वो बात करते हैं डिबेट में तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, भाजपा की कमियाँ गिनाते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस सही मायनों में सड़कों पे उतरकर उसका विरोध कर पाई, आम जनता के बीच जा करके वो उनके उनकी साथी बन पाई इस विरोध को लेकर के, ऐसा क्यों नहीं हो सका? देखो साहब, गजब की परिपाटी चल रही है इस देश में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये ज्ञान फैला जा रहा है कि यदि आप सच की बात उठाओगे, यदि आप अपने अधिकारों की बात करोगे और यदि आप भाजपा के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आप देशद्रोही करार दिए जाओगे। दुख होता है जब इस देश का अन्नदाता सड़कों पर आता है तो देशद्रोही करार दिया जाता है। सकता हूं मैं, लेकिन एक वादा जरूर करती है कि कुंदा का सौंदर्यीकरण होगा, कुंदा में नाव चलेगी, खरगोन के लोग जाएंगे और उसमें नौका विहार करेंगे, परिवार के साथ आनंद लेंगे। आप मेरे साथ चलिए, आप अपने कैमरे को पहुंचाइए। कुंदा की जो दुर्दशा है, कुंदा में इंसान तो क्या जानवर भी उसका पानी नहीं पी सकते। यह स्थिति हमारे शहर में। यह पूछना चाहूंगा कि आप जो जिस स्वप्न की और जिसकी बात कर रहे हैं, वो पूर्व विधायक बाबूलाल जी महाजन हमारे साथ हैं, उन्होंने ये एक पूरा खाका खींचा था और उन्होंने इसके लेकर के आगे काफी कुछ काम भी किया, लेकिन मैं नगरपालिका परिषद में आपको रोकना चाहूंगा। बात का काम ठंडे बस्ते में चले गया। एक अच्छा काम अगर आगे हो रहा था और कांग्रेस के विधायक यहाँ पर बैठे हुए थे, उनने इतने सालों में कुंदा की सफाई के लिए क्या करा? हुआ वही दूसरे, अब नगर पालिका आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको विधायक और कांग्रेस में शामिल होते थे और पिछले 15 साल से कुंदा वैसी सिसकती रही, वो भाजपा हो या कांग्रेस, इसके लिए दोनों समान रूप से दोषी है। इस शहर की जनता के साथ कुंदा नदी को लेकर दोनों ही पार्टियों ने न्याय नहीं किया, आज हम ये कह सकते हैं। हम शहर में आज उद्यान नहीं है, शहर की सड़कें खुदी हुई है, शहर में अगर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, शहर में यदि पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, शहर में यदि मुख्यमंत्री हर अपने दौरे में आकर कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों मैं तुमको नर्मदा का पानी दूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड है, हर छठे महीने हर साल आके वो अगर इस प्रकार की घोषणा कांग्रेस का और पानी अगर इस शहर को नहीं मिलता है तो ये किसका दुर्भाग्य है? तो कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर, कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर अपने स्तर से हर पटल पर लड़ाई लड़ रही है, हर पटल पर अपनी बात रखी है कांग्रेस ने। लेकिन 15 साल से सरकार थी, अभी भी सरकार है भाजपा की, पिछले 20 सालों से कमोबेश नगर पालिका में भाजपा बैठी हुई थी, तो भाजपा ही क्या कर रहे थे, मेरा ये प्रश्न है। बाबूलाल जी, इस चीज को जैसे मैंने अभी कहा कि कुंदा को लेकर तो शहर की जनता जो भी चाहती थी, जो उसके स्वप्न थे, पूरी तरह ना तो उस कुंदा के साथ न्याय हुआ, जबकि कहा जाता है कि किसी भी नदी के किनारे अगर कोई नगर बसा है तो उसका संपूर्ण विकास होता है, उससे समृद्ध कोई जगह नहीं हो सकता। हम काशी की बात करते हैं
भाजपा बड़े जोर से काशी की बात करती है लेकिन कुंदा को अभी तक साफ नहीं कर पाया, एक उससे गंदे पानी का निस्तार नहीं हो पाया, एक वाटर फिल्टर प्लांट नहीं डल पाया ताकि वो गंदे पानी का फिल्टर हो और कुंदा फिर से मुस्कुराने लगे। आखिर ये उसकी कराहट कब तक खरगोन की नगर की जनता सुनती रहेगी? भाजपा कांग्रेस के सिर पर डालेगी आरोप, कांग्रेस भाजपा के सिर पर आरोप डालेगी और इस शहर का जो नागरिक है सत्ता में कौन है? प्रश्न ये है सत्ता में कौन है? अब मैं पूना जी ये कहना चाहूंगा कांग्रेस भी रही इस देश में सत्ता में और इस नगर उसके में पहले आपको याद होगा आपने बाल्यकाल में कुंदा नदी में कलकल कहती करती कुंदा नदी में नहाते थे, मैं खुद नदी किनारे रहते हुए कुंदा नदी में नहाता था। आप नहाए हैं? आपने कलकल बहती देखी या नहीं? लेकिन उस समय भी ये गंदगी के नाले उसमें मिलते थे। ये रहा कि आने वाले जो भी उसमें यहाँ पे नगर पालिका नगर निकाय में बैठे उन लोगों ने इसके ओर ध्यान नहीं दिया। अब बबुला जी क्या इस चुनाव में ये मुद्दा होगा और भाजपा जो है अपने अगर भाजपा की यहाँ पे सत्ता आती है नगर निकाय में तो क्या भाजपा कुंदा को लेकर आगे कोई महती योजना बनाएगी या उसी प्रकार से चलता रहेगा? निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरफ ध्यान देगी और आप ये मत कहिए कि वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ, वहाँ काम हुआ है। दोनों तरफ सड़कें बनी हैं, लाइट की व्यवस्था की गई है, नया ब्रिज, दोनों नए ब्रिज बन गए, पुराने ब्रिज खत्म हो गए हैं और हमने पानी रोक करके पानी को रोकने का सिस्टम बनाया था। लेकिन इस अपना लोगों की जो आवश्यकता पानी की खेतों की तरफ बढ़ी है पिछले 20-25 साल से, तो पानी जो नदी में छोड़ा जाता है उसका अधिकांश भाग हमारे किसान भाई अपने उपयोग में कर लेते हैं तो नदी तक पानी नहीं आता। अब खरगोन में एक आवश्यकता है कि हम खारक नदी से सीधा पाइपलाइन से पानी लाएँ ताकि पानी का बीच में कोई दूसरा तरीके से उपयोग नहीं हो और पानी सीधा सीधा खरगोन नगर को पेयजल के हिसाब से मिले और उसकी हम प्लानिंग करके चल रहे हैं। कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, हमारे अतिथि उन मुद्दों पर जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं और शहर की जनता भी उन मुद्दों पर इन राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हमारे बीच मौजूद हैं वो सुनने के लिए तैयार है कि आखिर उन समस्याओं से हमको कैसे निजात मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में स्वागत है। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं नगर निकाय खरगोन के चुनाव को लेकर और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आज के अतिथि। चुनाव हो रहे हैं और आने वाली जो बागडोर जिन हाथों में होगी वो होंगी महिलाएं। एक अवसर मिल रहा है और इस समय तकरीबन दोनों ही पार्टियों ने लगभग 50% महिलाओं को टिकट दिए हैं, यानी ये मान के चले हम कि अगला जो भी नगर निकाय की परिषद होगी उसमें महिलाओं का वर्चस्व होगा। लेकिन क्या वो स्वयं निर्णय ले पाएंगी या वही चला करेगा कि पार्षद पति अध्यक्ष पति इसी प्रकार से तरुण महिलाओं को आगे आकर कोई स्वनिर्णय लेने दिया जाएगा? इसको लेकर मैं बाबूलाल जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आज कई ऐसे टिकट भी दिए गए हैं राजनीतिक परिवारों से, तो क्या वो महिलाएं बाहर निकल के आएंगी? क्या इस क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनेंगी या सिर्फ टिकट मांगने के लिए, ये वोट मांगने के लिए वो नगर का भ्रमण करेंगे? ये भ्रमण आगे 5 साल तक चलेगा यही रुक जाएगा? देखो देश का बारे में अपन विचार करें तो महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही है, महिलाएं चांद पर जाने की कल्पना कर रही है, आज महिलाएं एरोप्लेन चला रही है। आप महिलाओं को कम किसी प्रकार से मत आंकिए, महिलाएं अपने आप में बहुत सक्षम है और आगे बढ़ रही है, वो पूरा नेतृत्व कर सकती है, पूरा आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे देश में, खास करके हमारे प्रांत में 50% आरक्षण दे करके महिलाओं को इस स्थिति में ला के खड़ा किया कि हमारी महिलाएं खड़ी हो आगे बढ़े, क्योंकि जिस देश के अंदर महिलाएं यदि आगे बढ़ी हुई है, नारी की पूजा जिस देश के अंदर होती है तो निश्चित रूप से वो देश प्रगति के रास्ते पर होता है। मैंने अब आपको एक उदाहरण दिया था कि मैं तराई मोहल्ले में रहता था, मेरा परिवार बहुत गरीब था और बहुत गरीब होने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमारे पास 2 जून रोटी भी खाने के लिए नहीं था। लेकिन मेरी माँ ने अपने गहने बेचे, घर के बर्तन बेचे और मेरे को एजुकेशन कराया, और मेरे को एजुकेशन कराने में हमारे भाई बहनों को एजुकेशन कराया और उसके कारण
हमारा पूरा पर, क्योंकि यदि महिला एक पढ़ी लिखी, मेरी माँ थोड़ी पढ़ी हुई थी, तीसरी चौथी तक पढ़ी हुई थी उस जमाने में, तो उसने मेरे को इस प्रकार से सही लाइन दी। ठीक मेरे परिवार के आस पास रहने वाले हमारे सारे मुस्लिम बंधु थे, आज वो मेरे से प्रश्न करते हैं कि तुम इतने आगे निकल गए, हम इतने पीछे क्यों रह गए। मेरा सीधा सा उनका उत्तर रहता है कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने की तरफ प्रेरित किया, और तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथ में पत्थर टिकाए, तो आज आप यहाँ पर खड़े हो और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक नेता बनकर के यहाँ पर खड़ा हूँ। इसका कारण यह है कि एजुकेशन आज भी एक बड़ा बड़ा भारी समाज जो इस देश के अंदर रह रहा है, उसमें बच्चियों को आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो हमारी सरकार ने पहली बार सोचा कि बच्चियाँ आगे कब बढ़ेगी, जब उनको एजुकेशन अच्छा होगा, और एजुकेशन होगा तो निश्चित रूप से दोनों कुलों को उतारेगी, जिस कुल में वो जन्म लिया उसमें भी, और जिस कुल में वो जाएगी उसमें भी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही है, और आज तो आर्मी के अंदर भी देख लो, आज आप प्लेन के अंदर भी देख लो, आज आप पुलिस कर्मियों में भी देख लो, आप डॉक्टरों के हिसाब से भी देख लो, महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और आगे यदि महिलाएं आगे बढ़ी तो देश निश्चित रूप से सशक्त और बहुत आगे बढ़ेगा, ये मेरा हमारी पार्टी का सोच। हम जहां तक खरगोन की बात करेंगे तो जैसे खरगोन नगर को आज से तकरीबन मैं समझता हूं कि 20 साल हो गए जब से बाईपास का एक चक्कर लगा रहे हैं जनता को, यहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा। खरगोन जो है आदिवासी क्षेत्र है, और खरगोन जिला भी उससे अछूता नहीं है, यहां पर भी वही परिवेश है, यहाँ की महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहती। मैंने आपसे यही बताया कि आज राजनीति में आज भी पुरुषवाद हावी है, वो कोई से भी राजनीतिक दल हो। आज हम ये बता सकते हैं कांग्रेस कह देती कि हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, भाजपा बोल देती कि हमारी मंत्री सुषमा स्वराज हैं, वर्तमान में वित्त मंत्री ये हैं। लेकिन मैं उस गाँव की एक महिला की बात कर रहा हूँ जो पंच के लिए खड़ी हुई, जो सरपंच के लिए खड़ी हुई, जो पार्षद के लिए खड़ी हुई है, लेकिन उनके पति देव जब चुनाव जीत जाती है तो सरपंच पति, पार्षद पति, नगर पालिका अध्यक्ष पति, तो आखिर वो पति ही तो आगे हैं, कहाँ रहा महिला सशक्तिकरण। महिला के को सीधा सर महिला को धोखा दिया, सशक्तिकरण के नाम पे धब्बा है ये नीति, और वही सरपंच पति, वही पंच पति, वही पार्षद पति सरकारी मीटिंगों में बैठते हैं, जहां पर कि जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम जैसे अधिकारी इन चीजों की ओर ध्यान ही नहीं देते कि आखिर वो महिला कहाँ है जिसने अपनी इस जीत को कायम किया है, इस जीत को हासिल किया, वो घर में रोटी बनाती है। महिलाएं तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, इतने लंबे समय से वादा करते हैं निकाय में कोई भी भाजपा का कोई भी कैंडिडेट जीतेगा उसके किसी भी महिला के पति को, पार्षद पति या पार्षद प्रतिनिधि, उसके पति या उसके परिवार को ये भूमिका नहीं दी जाएगी। आप ये आज वादा करते हैं खरगोन शहर की जनता से, और यही वादा मैं कांग्रेस से भी सुनना चाहूंगा, और सही मायने में तभी हम महिला को उसका अधिकार दे पाएंगे। पूछना चाहता हूं बाबूलाल जी से, टिकट को लेकर भाजपा ने जो चयन सूची जारी की है उम्मीदवारों की, उसमें कहीं भी एक भी वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो ऐसा क्या कारण रहा कि एक भी कैंडिडेट आपको नहीं मिला, या आपने नहीं लिया, या फिर आप उस लायक नहीं समझते, क्या क्या कारण रहा सर? दो बातें हैं, पुराना मैं लंबे समय तक जिला अध्यक्ष भी रहा, मैं जिला महामंत्री भी रहा, और खरगोन नगर का अध्यक्ष भी रहा। मैंने कम से कम 6 बार नगर पालिका के टिकट बांटने में मेरा कहीं ना कहीं योगदान बढ़ा रहा है। हमने हर बार 7-7, 8-8 मुस्लिम बंधुओं को टिकट दिए। हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है कि अपनी सरकार बने, लेकिन हमारा यह अनुभव आया कि एक भी वार्ड में कभी भी एक हमारा मुस्लिम कैंडिडेट जीत करके नहीं आया। इसलिए हमने यहाँ तक देखा कि कांग्रेस ने कांता सोनी लड़ी, पूरा मुस्लिम वार्ड था, और हमने एक मुस्लिम को लड़ाया, परिणाम क्या हुआ, कांता सोनी जीती, मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद मुस्लिम को लोगों ने वोट नहीं दिया। हम ये महसूस करने लगे कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, ये एक मतलब हमारी एक प्रकार से भाषा बनी। दूसरा हमारा सोच ये बना कि खरगोन नगर का यहाँ तक प्रशासन दिया, बड़वा में दिए टिकट, सनावत में दिए, जहाँ हमारे पार्षद जीतते आए, सनावत में जीतते आए, बड़वा में जीतते आए, कसरावत में जीतते आए, हमने वहाँ पर बराबर टिकट दिए। लेकिन खरगोन में इसलिए नहीं दिए कि खरगोन में हमारा एक ये अनुभव हमको कटु अनुभव रहा, दूसरा ये कि खरगोन में सांप्रदायिक दंगे के अंदर भारत हिंदू समाज बुरी तरह से पीटा गया, उसकी बुरी तरह से हालत हो गई, उसके घाव अभी भी हरे हैं, उस घाव हरे घाव को जब तक मलहम नहीं लग जाते, उसके घाव भर नहीं जाते, तब तक
हमको इसमें विचार करना पड़ता है कि हम इसमें क्या करें। लेकिन महाजन साहब, आप स्वयं मुस्लिम वार्ड से पार्षद भी तो बने। मैं कहा कह रहा हूं वो शांति का मुद्दा, तो मुस्लिमों ने वो वोट दिया है। ये भाजपा का दोहरा रवैया है, भाजपा का दोहरा रवैया है। बड़वा सनावत में आप मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट दे रहे हो और खरगोन में आप केवल उन घावों को जिंदा रखना चाहते हो जो घाव आपने दिए हैं। आप जिस सांप्रदायिक घटना का उल्लेख कर रहे हैं, जिस सांप्रदायिक उन्माद का उल्लेख करके अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि सरकार किसकी है? सरकार ने क्या सारे उस दंगे के दोषियों को अनसलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, या सिर्फ समाज में विमर्शता बढ़ाने के लिए कि घर पत्थर के कर दिए जाएंगे, पत्थर केवल उस भावनात्मक रूप से हिंदुओं के साथ खेल खेला है और आज इसलिए टिकट नहीं दिया है कि वो घाव हरे रहे, क्योंकि वो घाव हरे रहेंगे तो जनता यहाँ की समस्याओं को भूल जाएगी। वो घाव हरे रहेंगे तो उनकी सड़कें उनको ध्यान नहीं रहेगी। वो घाव हरे रहेंगे तो कॉलोनियों में जो बिजली के खंभे नहीं है वो उनको ध्यान नहीं रहेगा। वो घाव हरे रहेंगे तो पेयजल के लिए जो किल्लत है वो उनको ध्यान नहीं रहेगी। वो घाव हरे रहेंगे तो कुंदा जो अपनी दुर्दशा पर रो रही है वो उनको ध्यान नहीं रहेगा। ये घाव हरे रहेंगे तो ही भाजपा को वोट मिलेंगे। हरे रखना चाहिए। आपकी बात पूर्णा जी, हम मान लेते हैं कि सच है कि अगर वो घाव हरे रहेंगे तो भाजपा को वोट मिलेंगे। कांग्रेस अभी तक कोई ऐसी दवा तैयार नहीं कर पाए कि वो घाव हरे नहीं रहे, सूख जाए, उनका इलाज हो जाए। क्यों नहीं किया कांग्रेस ने अभी तक? हमेशा भाजपा पे सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है। 125 साल पुरानी पार्टी के पास का ऐसा कोई भी तजुर्बा नहीं है कि वो इस सांप्रदायिकता से मुक्ति दिला सके आम जनता को। सांप्रदायिकता से मुक्ति के लिए एक वातावरण होता है, सांप्रदायिकता से मुक्ति के लिए समाज में कांग्रेस ने इस देश में आजादी का माहौल बनाया है, तो कांग्रेस इस देश में आपसी परस्पर भाईचारे का माहौल फिर से क्यों नहीं बना सकती? यानी ये कहा जाए कि कांग्रेस कल सक्षम थी, आज सक्षम नहीं है, ये तो बात वही सामने आ रही है। सभी राजनीतिक दलों को हम दोषी मानते हैं और ये समय समय पे देखा गया है। हर राजनीतिक दल ने धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पे चुनावी राजनीति को सफल बनाने के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया। उमेश जी, मैं बाबूलाल जी से एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो उम्मीदवार तय हुए हैं उसमें असंतोष देखा जा रहा है, और कुछ ये भी हो रहा है कि कहीं से कुछ वार्डों से अभी निर्दलीय की संख्या भी 4 और 5 से बढ़ने वाली है। तो बात, और कल जब 18 तारीख को फॉर्म जमा करने की स्थिति थी तब तक भी 12 नंबर वार्ड पर फाइनल नहीं हुआ था नाम, तो ऐसा क्या कारण रहा कि संतोषजनक चयन नहीं हो पाया या किसी एक व्यक्ति की इसमें चली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता कि एक व्यक्ति की चले। यहाँ पर हमेशा एक सामूहिक निर्णय होता है और वो सामूहिक निर्णय चाहे जैसा भी हो उसको सबको मानना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय हुए सामूहिक हुए, बड़े सोच समझ के हुए, और उसके बाद अच्छे से अच्छे लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को लाने का इसमें प्रयास किया गया। और इसलिए मैं नहीं मानता कि इसके बाद असंतोष लंबे समय तक रहेगा। हमने कई बार देखा निर्दलीय लोग खड़े हुए, लेकिन हमने देखा पिछले 4, 5, 6 चुनाव में, आप नगरपालिका को उठा के देख लो कि हमारे निर्दलीयों ने हमको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। एकाध जगह जरूर निर्दलीय कैंडिडेट हमारा जीता, वो भी किसी और कारण से जीता, लेकिन हर जगह भारतीय जनता पार्टी का सब जितने भी हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता अपने आप को ज्यादा महत्व देता है, यहाँ कार्यकर्ता पार्टी को महत्व देता है। यहाँ सबसे पहले राष्ट्र को गिना जाता है, फिर पार्टी को गिना जाता है, फिर व्यक्ति आता है। इसलिए व्यक्तित्ववाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। हमारे जो हमारे लोग भी, जो क्योंकि पार्टी का ग्राफ बहुत बड़ा हो गया, पार्टी के पूरे देश के अंदर 17-18 करोड़ सदस्य हो गए। जब इतने सदस्य हो गए, जब इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जगह, क्योंकि एक परिवार यदि मान लो तो परिवार अपने बच्चों को सबको संतुष्ट नहीं कर पाता, तो इतना बड़ा बात मानना पड़ेगी ना दादा कि गुटबाजी तो है। गुटबाजी तो हर जगह रहती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में जो होती है वो केवल टिकट तक कांग्रेस में दिखाई दे रही।
वो केवल टिकट तक लेती है, वो टिकट भर जाने के बाद फिर पार्टी सर्वोपरि हो जाती है, फिर पार्टी के आगे ये बातें सब समाप्त हो जाती है और पार्टी आगे बढ़ती है। पूर्णा भाई से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो चयन अभी जारी हुआ है, उसी जारी हुई, इतना लेट क्यों हुआ, क्या निर्णय नहीं ले पा रहे थे? और अभी बात थी कि जादूगर का जादू चल गया, तो वो चीज इसमें वो आ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से काम पे लगे हुए थे। जो लोग हमारे पर्यवेक्षकों के पिछले 4 माह से खरगोन में दूरे चल रहे हैं, जो योग्य और सक्षम कैंडिडेट थे, जो व्यवस्थित कैंडिडेट थे, वो सारे लोग काम पे लगे हुए थे। सूची आज जारी हुई है, सूची तो चुनाव के ठीक पहले ही जारी होगी। सूची का ये तो है नहीं कि चुनाव के बहुत ज़्यादा पहले उसको जारी कर सकते हैं। जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए सूची जारी हुई है। कैंडिडेट चयन में कहीं कोई विवाद या किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं रही, जैसे कि जो आप लोगों के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि माननीय मेरे वरिष्ठ बाबूलाल जी ये पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन इन्हें भी टिकट के लिए मशक्कत करना पड़ी, जो बाजार की चर्चाएं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4 घंटे उस कार्यालय में नीचे बैठे रहते थे और माननीय टिकट वितरण करने वाले ऊपर बैठे रहते थे। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां सामने आए हैं। मतलब टिकट वितरण में कांग्रेस में ये माने कि असंतोष नहीं रहेगा, आप ये मानते? बिल्कुल बिल्कुल, कोई असंतोष नहीं है। और सारे लोगों ने सहमति से और व्यवस्थित रूप से, क्योंकि हम जो 20 साल से इस शहर की जनता जिस दुर्दशा को भुगत रही है, उससे निजात पाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये भी मान लिया जाए कि नगर निकाय चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, वो उसको अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन करेगा, और साथ में कांग्रेस, जैसा भी मैंने पूछा, कि ये भी वादा करेगी कि सही अर्थों में उन महिलाओं को अपना अधिकार मिल सकेगा नगर निकाय में? बिल्कुल मिलेगा, पति उस पर बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस की सूची आप देखेंगे तो उसमें डॉक्टर महिला है, कांग्रेस की सूची आप देखेंगे तो उसमें अभिभाषक महिला है, कांग्रेस की सूची आप देखेंगे, उन महिलाओं की डिग्रियों को देखेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये महिला घर में बैठ के खाना बनाएगी और नगर पालिका या पार्षद का काम कोई और करेगा। नहीं, मैं ये नहीं कहता, महिला घर में खाना बनाने के साथ भी बहुत कुछ सोचती है, उसके उसका उसका मातृशक्ति, उसकी जो मानसिक स्थिति हमारे जीवन का आधार है, मातृशक्ति हमारी रीढ़ है। और ये सौभाग्य होगा, अभी कुछ दिन पहले इस खरगोन शहर में कलेक्टर भी महिला थी, इस खरगोन शहर की जो नगर पालिका की मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो भी महिला थी। तो और देखा जाए तो आला विभागों के सब दूर लगभग लगभग महिलाएं हैं। तो मातृशक्ति का एक अपना अनुभव है, वो जिस संवेदनशीलता के साथ प्रशासन को चला सकती है। मैं ये मानता हूं कि पुरुष उस संवेदनशीलता के साथ एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए, काम आदमी के लिए नहीं कर सकता। कांग्रेस महिलाएं आज भी आगे बढ़ रही। इंदिरा गांधी जी ने इस देश को चलाया है, जिसकी तारीफ अटल जी किया करते थे कि ये दुर्गा का अवतार है। महिलाएं आज नहीं आगे बढ़ रही, 2014 के बाद ही इस देश में कुछ नहीं हुआ है। 2014 के पहले से 70 सालों की मेहनत है, उसके पहले भी मेहनत है कि लोगों ने अपना खून बहाया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया और ये देश आजाद हो पाया। सब कुछ आज नहीं हो रहा है। चश्मा उतारिए और देखिए, आज तो केवल और केवल जो सिस्टम खड़ा करा, जो ताना बाना खड़ा करा, जो प्रेम का, जो भाईचारे का, और जो जिस प्रकार से पूरा संवैधानिक ढांचा खड़ा करा, आज उस ढांचे को तहस नहस करने का काम हो रहा है। ईडी से लगा के हर प्रकार की जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी कार्यपालिका की संस्थाएं हैं, वो किस दिशा में जा रही है, उनके ऊपर किस किस प्रकार के पहरे लगे हुए हैं, ये सब व्यवहारिक दृष्टिकोण से नजर आ रहा है और सारे लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं। देश को देश के बंटवारे, पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, कश्मीर के अंदर उनका विचारे लेने वाले लोगों का कत्ले आम हो गया। इस देश के में जो शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था ने 47 का जो भाव दिया है, वो भाव कौन मानता है? कश्मीर फाइल्स को फ्री में दिखाने वाले वो भाजपा के नेता, अभी कश्मीर में कितना कत्लेआम हुआ है, कितना नरसंहार हुआ है, कैसे कैसे लोगों ने वहाँ पे किस प्रकार की बातें करी है, आप देखिए। देखो, कहना और करना, आप आरोप लगाओ, आप चिल्लाओ, क्योंकि आपके पास सांप्रदायिक उन्माद और ध्रुवीकरण के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है।
आज दुनिया में देश इतना आगे बढ़ गया है, सारी दुनिया सलाम करे इस देश को। पहले नहीं करती थी, अमेरिका में प्रवेश देने के पहले मनमोहन सिंह के लिए कोई प्रधानमंत्री उतर के नहीं आता था, कोई कर्म कोई सब कर्मचारियों को भेजते थे। आज देश पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जो आपका गड़ा हुआ है वो इतिहास नहीं है, जो आप झूठ फैला रहे हैं वो सच नहीं है। आप इतिहास पढ़िए, आप अमेरिका के राष्ट्रपतियों की सूचियां उठाइए कि किस प्रकार का सम्मान भारत को, ये जो सम्मान मिलता था ये भारत की देशवासियों की कैपेबिलिटी के कारण मिलता था। मैं सभी आप दोनों की बातें मैं मानता हूं, लेकिन हम कहें कि 1947 के बाद देश की तरक्की हुई या 14 के बाद हुई, ये सच नहीं है। इस देश का अगर हम इतिहास, लेकिन आज तक तो बताया जा रहा है कि 2014 के पहले तो दुनिया थी नहीं। इस देश का हम इतिहास देखें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी ये बताते हैं कि इस देश की ईंटें तब भी उतनी मजबूत थी, आज भी उतनी मजबूत हैं, तब भी उसका प्रेम इतना आपसी भाईचारा मजबूत था, आज भी इतना मजबूत है। लेकिन इस भाईचारे को बिगाड़ने के लिए राजनीतिक दल समय समय पर अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, और अब ये करना होगा कि सारे राजनीतिक दल एक होकर के उस प्रेम को, उस ईंट की मजबूती को बने रखें ताकि ये देश और मजबूत हो। सभी ने इस देश की प्रगति के लिए काम किया है, किसी पे हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हर जो भी व्यक्ति आया है उसने इस देश के ताने बाने को मजबूत किया है और आगे भी ये होते रहेगा। हम इस समय बात कर रहे थे नगर निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें दोनों ही पार्टियां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हम उन महिलाओं को जो इस समय पार्षद के चुनाव में खड़ी हुई हैं उनको पूरा अधिकार देंगे, उनको प्रशासनिक अधिकार देंगे ताकि वो कार्य करें। और हमारी भी शुभकामना उन राजनीतिक दलों को, उन महिलाओं को, कि अगर आप जीत के आती हैं तो आप प्रशासन में आगे आइए, ये अवसर होता है अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए। और आज उमेश जी ने भी कुछ चीज़ों को लेकर जो राजनीतिक दलों की स्थिति स्पष्ट करी, उससे भी ये प्रमाणित होता है कि नगर के विकास को लेकर के कितनी गंभीरता राजनीतिक दलों में रही, उसके प्रमाण कुंदा है, उसके प्रमाण हमारे नगर की पेयजल योजना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम किसी एक राजनीतिक दल को दोषी ठहराएं वो ठीक नहीं होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दल और प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अंत में हम अपने सभी अतिथियों का को धन्यवाद देते हैं, और आप दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि मतदान जरूर करें, वोट आपका अधिकार है, इसी अधिकार से आप अपने जो भी नैसर्गिक अधिकार हैं, अपनी बुनियादी आवश्यकता इनको पूरा कर सकते हैं, और आप वो कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। इसलिए आप मतदान के दिन बूथ तक जाएं, वोट जरूर डालें। आज के कार्यक्रम में यही तक। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, और हम नए नए मेहमानों के साथ आपको अलग अलग मुद्दों पर और अलग अलग समस्याओं को लेकर हम चर्चा करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नेताजी आजीरो